बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द रीडर स्कूल हाफिजाबाद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फोर्थ लेक्चर फ्रॉम यूनिट नंबर 2। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीजेस को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में 2 डिजीजेस के बारे में हमने पढ़ा था, आज हम मजीद 2 डिजीजेस को डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहले है डायबिटीज। डायबिटीज को हम आम लैंग्वेज में कहते हैं शुगर। अब इसमें होता क्या है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है। डायबिटीज इज अ डिजीज इन विच अ पर्सन हैज हाई ब्लड शुगर बिकॉज हिज और हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। इंसुलिन इज द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आर पैंक्रियाज। इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज ब्लड शुगर। विदाउट इंसुलिन अ पर्सन डिवेलप्स डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर की अमाउंट जो है वो जरूरत से ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में मौजूद है एक ऑर्गन जिसको कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है? वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड में शुगर की अमाउंट को नॉर्मल रखती है। अगर ज़्यादा हो तो वो उसके लेवल को डिक्रीज करके नॉर्मल कर देती है। लेकिन अगर पैंक्रियाज में कोई मसला हो जाए और हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली ना बने, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो अपनी मर्जी से एबनॉर्मल हद तक भी बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं कि डायबिटीज है। अब यहाँ पे उन्होंने आगे कुछ सिम्टम्स बताए हैं डायबिटीज की। लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर ईटीसी आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। अगर इनमें से कोई भी अलामत हो तो फौरी डायबिटीज का टेस्ट करवाना चाहिए। अलामत कौन सी हैं? वजन का बहुत ज्यादा कम हो जाना, बार बार यूरिन आना, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा प्यास और भूख का लगना, ये सारी अलामत जो हैं ये डायबिटीज़ की तरफ इशारा करती हैं। इफ़ द पेशेंट डज नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ही और शी मे बी एट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आईसाइट एंड हीयरिंग, हार्ट अटैक, गम डिजीज, किडनी डिसऑर्डर ईटीसी। अगर कोई इंसान जिसको डायबिटीज़ है वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसको क्या क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? उसकी बिनाई जा सकती है, कुव्वत समात यानी सुनने की जो कुव्वत है उससे महरूम हो सकता है इंसान, हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, मसूड़ों की बीमारियां लग जाती हैं और सबसे बढ़कर के इंसान के गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं खतरनाक हद तक। अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज और हर ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, ईटिंग प्रॉपर डाइट एंड टेकिंग एक्सरसाइज। अब हम किस तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम प्रॉपर मेडिसिन लें, डॉक्टर से कंसल्ट करके अच्छा खाना खाएँ और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें ताकि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कंज्यूम होती रहे, हमारे ब्लड में जो है वो जमा ना हो। जिस कार्बोहाइड्रेट्स हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन आर ब्लड शुगर लेवल, एक्स्ट्रा फैट्स आर नॉट गुड, वी नीड टू टेक दीज फूड्स केयरफुली। सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर यूजफुल फॉर आर डायबिटिक पेशेंट। कार्बोहाइड्रेट्स यानी सब्जियाँ और फल जो हैं उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ब्लड शुगर लेवल पर। उसके अलावा जो चिकनाई है वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छी नहीं होती, ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खाना। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी डाइट जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हों उनको एहतियात से यूज़ करना चाहिए डॉक्टर के मशवरे के साथ, और जो ऐसी सब्जियां और फल हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए मुफीद हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है एस्थमा। एस्थमा है सांस की बीमारी। एस्थमा इज एन एलर्जी डैट कॉजेज द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। अ पर्सन विद एस्थमा में वीज अ विस्लिंग साउंड व्हेन ही और शी ब्रीथ्स, कफ एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट। एस्थमा क्या है? एक एलर्जिक डिजीज़ है जिसमें हमारे फेफड़ों के जो एयरवेज हैं यानी हमारे फेफड़ों का वो पार्ट जहाँ से हवा गुजरती है उन पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाए यानी वो सूज जाए और सूज कर उनका रास्ता जो है वो तंग हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं एस्थमा। जब एयरवेज जो हैं जो स्वेल हो जाएंगे और उनका पैसेज जो है वो नैरो हो जाएगा तो वहाँ से हवा को गुजरने में मसला होगा, जिसकी वजह से सांस लेने में हमें मसला होगा और बहुत मुश्किल से इंसान को सांस लेना पड़ता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं एस्थमा। एस्थमा वाले पेशेंट की क्या क्या उसको मसले बर्दाश्त करने पड़ते हैं? जब वो सांस लेता है तो साथ में विस्लिंग साउंड सीटी जैसी आवाज़ आती है, खांसी होती है और अपने सीने पर उनको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है। द थिंग्स डैट कैन कॉज एस्थमा आर गार्ड एलर्जेंस, डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स में कॉज एस्थमा। यहाँ पर उन्होंने कुछ कॉजेज बताई हैं कि किन वजूहात की बेस पे किसी इंसान को एस्थमा हो सकता है। उसमें है डस्ट माइट्स यानी मिट्टी के ज़रात, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स क्या हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं फ्लावर के, एंड सम फूड्स और कुछ खुराक ऐसी है जो कि किसी इंसान को एस्थमा की बीमारी में मुबतला कर सकती है।
और इन सब सब्सटेंसेस को, इन सब कंपोनेंट्स को जो कि अस्थमा काज करते हैं, इनको कहा जाता है एलर्जेंस, यानी एलर्जी कॉज करने वाले एजेंट्स। सिम्टम्स ऑफ एन अस्थमा अटैक में भी कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, स्वेटिंग एंड इंक्रीज पल्स रेट। स्वेयर अस्थमा अटैक में लीड टू डेथ। अलामत क्या क्या हैं अस्थमा अटैक की? इंसान को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है, सांस के साथ विस्लिंग की साउंड पैदा होती है, सांस का छोटा हो जाना और बहुत मुश्किल से आना, थोड़ा थोड़ा सांस आना, सीने में दर्द महसूस होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना और पल्स रेट यानी नब्ज का बढ़ जाना। स्वेयर अस्थमा अटैक में लीड टू डेथ। बहुत ज़्यादा अगर स्वेयर किस्म का अटैक हो इंसान को अस्थमा का, तो उसकी वजह से इंसान की मौत भी वाकया हो सकती है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर अस्थमा, बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद अस्थमा। अस्थमा का इलाज करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ तो अस्थमा की बीमारी के साथ भी इंसान नॉर्मल और चुस्त ज़िंदगी गुजार सकता है। ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ अस्थमा। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अस्थमा के पेशेंट को एलर्जी कॉज करें, उनसे परहेज करें, उनसे बचें। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, इट विल गिव यू रिलीफ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, इससे आपको सुकून मिलेगा। ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर यूज़ मेडिसिन और इनहेलर। डॉक्टर के मशवरे के साथ अदवियात इस्तेमाल करें, और अगर ज़्यादा मसला हो सांस लेने में तो इनहेलर यूज़ करें। इनहेलर क्या है ये आप फिगर 2.7 में देख सकते हैं। एन इनहेलर इज़ यूज टू रिलीफ अस्थमा। ये एक पंप होता है जो कि सांस की तकलीफ को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन। समटाइम्स एन ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन में स्टॉप इट्स वर्किंग बिकॉज ऑफ अ डिजीज और इंजरी। इन द पास्ट फेलियर ऑफ अ मेजर ऑर्गन रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द पेशेंट, बट नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान की बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो किसी जख्म की वजह से या किसी बीमारी की वजह से काम करना छोड़ जाता है, और पुराने वक्तों में किसी इस तरह के केस में कि आपका कोई ऑर्गन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से इंसान की पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि डेथ की तरफ ले जाती थी इंसानों को। लेकिन आजकल साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और इन्वेंशंस की हैं, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम का सलूशन उनको मिल गया है कि किसी ऑर्गन फेलियर की वजह से किसी पर्सन की डेथ ना हो। अब वो सोल्यूशन क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी एक ऑर्गन इंसान का जो ख़राब हुआ है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे या तो आर्टिफिशली प्रिपेयर्ड ऑर्गन लगा दिया जाता है, या किसी हेल्दी इंसान का ऑर्गन लेकर पेशेंट के डिजीज ऑर्गन को रिमूव करके उसके जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिप्लेसेस अ फेलिंग ऑर्गन विद अ हेल्दी ऑर्गन। अ डॉक्टर रिमूव्स एन ऑर्गन फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन एंड रिप्लेसेस इट इन द पेशेंट्स बॉडी। द पेशेंट अगेन लिव्स अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है कि वही बात जो मैंने अभी बताई कि फेलिंग ऑर्गन को निकालकर हेल्दी ऑर्गन उसकी जगह पे रख दिया जाता है, उसके बाद पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। नॉट ऑल ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड। ऑर्गन्स मोस्ट ऑफली ट्रांसप्लांटेड आर द किडनी बिकॉज ऑफ डायबिटीज और किडनी प्रॉब्लम्स, द लिवर बिकॉज ऑफ सीरियस लिवर डिसऑर्डर्स, द हार्ट बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर, द पेंक्रियाज बिकॉज ऑफ डायबिटीज, द लंग बिकॉज ऑफ सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब कह रहे हैं कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते, चंद एक ऑर्गन्स हैं जिनका ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो साइंटिस्ट अभी तक इवॉल्व कर पाए हैं। सबसे पहले है किडनी यानी गुर्दे। किस वजह से ट्रांसप्लांट इनका हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से अगर किडनीज खराब हो गई हों या कोई और किडनी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से किडनीज जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, तो उस सूरत हाल में किसी हेल्दी पर्सन की किडनी जो है वो पेशेंट को लगाकर उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जा सकता है। उसके बाद है लिवर यानी जिगर। ये किस वजह से ट्रांसप्लांट किया जाता है? आपको बहुत ज़्यादा कोई शदीद किस्म की जिगर की बीमारी हो जिसको दवाइयों से ठीक ना किया जा सकता हो, तो उस सूरत हाल में लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद है हार्ट। दिल का ट्रांसप्लांट उस सूरत हाल में किया जाता है कि अगर आपका हार्ट फेल हो गया है और अगर आपके पास कोई डोनर है, यानी कोई ऐसा पर्सन जो अपना हार्ट देने को तैयार है, तो हार्ट का ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। पेंक्रियाज को उर्दू में कहते हैं लबलबा। अभी हमने डायबिटीज़ में पढ़ा कि पेंक्रियाज ऐसा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, और इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखती है। तो अगर आपके पेंक्रियाज में मसला है जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रही और डायबिटीज़ हो गई है, तो उस सूरत हाल में पेंक्रियाज को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है डायबिटीज़ से निपटने के लिए। द लंग बिकॉज ऑफ सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। फेफड़ों को बहुत ज़्यादा सांस के मसाइल की वजह से भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, ताकि सांस लेने में जो दुश्वारी इंसान को वो ना हो। पीपल हु हैव ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स मस्ट टेक मेडिसिन रेगुलरली द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ टू स्टे हेल्दी। और जिन इंसानों का
ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उनको अपनी बाकी की सारी जिंदगी अद्वियात भी साथ साथ लेना पड़ती हैं ताकि उनके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड हैं वो ठीक से काम करें और उनको कोई और मसला ना हो, कोई और बीमारी ना लग जाए। Sometimes artificial organs are also used to restore a function in the body of a person. An artificial organ is a man-made device that replaces a missing natural organ. Artificial legs, arms, bones, arteries, eyes, teeth, and ears are common to transplant nowadays. The scientists who design and build artificial body parts are called biomedical engineers. कह रहे हैं कि असल इंसानों के जो organs हैं उनके अलावा artificial organs भी scientists ने introduce करवाए हैं जिनको इंसान की body में insert करके इंसान की बॉडी का प्रॉपर फंक्शन जो है उसको बहाल करवाया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो इंसान ने अभी तक बनाए हैं? आर्टिफिशियल लेग्स यानी टांगें, बाजू, हड्डियाँ, आर्टरीज, आँखें, दांत और कान, ये इंसान जो है इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने में कामयाब हो चुका है और इनको इंसानों की बॉडी में इंसर्ट भी करवाया जाता है जिसकी वजह से इंसान अपनी बाकी की ज़िंदगी नॉर्मली गुजार सकते हैं। और साइंटिस्ट जो कि आर्टिफिशियल ह्यूमन ऑर्गन्स को खुद बनाते हैं उनको कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स, यानी वो इंजीनियर्स होते हैं जो चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं लेकिन मेडिकल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड और इंसानों को बचाने के लिए। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ज़्यादातर होती है अपने ही रिलेटिव्स के ऑर्गन्स के साथ, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो किसी भी अननोन पर्सन का किडनी पेशेंट को इंसर्ट नहीं करवाया जा सकता। उसके लिए देखना पड़ता है कि एक तो आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा हो, दूसरा आपके टिश्यूज़ और आर्टरीज का भी मैचिंग करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्ट के बाद किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है और सबसे बड़ी बात कि डोनर का मिलना भी बहुत मुश्किल होता है और ये सारी ट्रांसप्लांटेशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अल्लाह ना करे कि कभी किसी इंसान को इनकी ज़रूरत पड़े, अल्लाह ताला सबके अज़ा को सलामत रखे और सबको हादसात और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। That was all about today's lecture. Your home task is to learn all the above lecture. Thank you so much for listening. Stay blessed. Allah Hafiz.